लमा से गोल्डन कार्ड की तकसीम अमल में आ रही है। कमिश्नर साहब और हेल्थ ऑफिसर सपना ठाकरे साहिबा ने मालेगांव वासियों के लिए एक अच्छा फैसला किया और कोशिश करके गोल्डन कार्ड की स्कीम मालेगांव लाए। मालेगांव स्कीम आने के बाद मालेगांव मजदूरों का शहर है, गरीबों का शहर है और इस गोल्डन कार्ड के ज़रिए से 1200 बीमारियों का इलाज मुफ्त करवाया जा सकता है। मुफ्त का मतलब ये है कि मालेगांव में जो 8 हॉस्पिटल हैं जहां उनका इलाज होगा वहां पर गोल्डन कार्ड के ज़रिए इलाज करवाने वाले को कुछ पेमेंट देना नहीं। जाहिर बात है ये एक बहुत बड़ी सुविधा है, बहुत बड़ी सहूलत है जो कॉरपोरेशन की तरफ से हमारे कमिश्नर साहब और इसी तरह जो हेल्थ ऑफिसर सपना ठाकरे साहिबा के ज़रिए से आई है। हमने इस बात की कोशिश की थी और आह्वान किया था कि मालेगांव के लोग इस कार्ड के इस स्कीम से फ़ायदा उठाएं और गोल्डन कार्ड बनवाएं। हमने अपनी जमीयत, हमारी जो NGO है जमीयत उलमा मालेगांव, हमने यहाँ ऑफिस के ज़रिए से गोल्डन कार्ड बनाने का काम शुरू किया। मर्दों के लिए अलहदा इंतज़ाम किया, ख़वातीन और लेडीज़ के लिए अलग इंतज़ाम किया। मर्दों के लिए कार्ड बनाने वाले मर्द हजरात हैं और लेडीज़ के लिए कार्ड बनाने के लिए हमने लेडीज़ ही का इंतज़ाम किया है। ये सहूलत मिल जाने के बाद आज मालेगांव से अल्हम्दुलिल्लाह 550 कार्ड गोल्डन कार्ड बन चुके हैं, उसकी जो है तकसीम अमल में आ रही है और आगे भी ये सिलसिला दराज रहेगा। आज WHO के जो है हमारे अमजद साहब और सपना ठाकरे साहिबा जो हैं वो सफ़र में हैं नासिक में, हेल्थ डिपार्टमेंट से उन्होंने नुमाइंदगी के लिए कॉरपोरेशन की तरफ से हमारे आफिसरान आए हुए हैं, इनकी मौजूदगी के अंदर ये काम किया जा रहा है। मैं मालेगांव वासियों से दोबारा गुजारिश करूंगा कि हम लोग इलाज व मुआलजे को लेकर के बहुत परेशान हैं और मालेगांव जो है जैसे बीमारियों का गढ़ बन गया है, साफ़ सफाई ना होने की वजह से और कुछ माहौल भी ऐसा है जिसकी वजह से लोग परेशान हैं, बीमार होते हैं, इलाज व मुआलजे के लिए बहुत दिक्कत और परेशानी होती है, गरीब लोगों के लिए बहुत मुश्किलात होती हैं, बेचारे इलाज व मुआलजे के लिए फिर चंदा और वर्गनी करने के लिए निकलते हैं। गोल्डन कार्ड बनने की वजह से किसी की मोहताजगी नहीं रहेगी, लोग बावकार तरीके से अपना इलाज करवा सकेंगे। इसलिए मालेगांव के लोगों से मेरी ये गुजारिश है इस स्कीम से पूरा पूरा फ़ायदा उठाएं, अपने लिए अपने घर वालों के लिए गोल्डन कार्ड बनवा करके इलाज व मुआलजे की सहूलत और स्कीम से पूरा पूरा फ़ायदा उठाएं।